तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है गुजराती हैकर चैनल में। तो कई लोगों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे थे कि अभी डायमंड में क्या है, सूरत में क्या चल रहा है, अभी डायमंड जॉब्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि डायमंड का जो हाल सूरत में है वो कैसा है अभी, और अभी सबको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, मंदी है या तेजी है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन यही था कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता हूं अभी आपको, क्योंकि अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गया तो मुझे भी परेशानी होगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सारे कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, और आप सबकी मैं हेल्प करना तो चाहता हूं, लेकिन अभी मैं आपकी कोई भी हेल्प ऐसे नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपको गाइडेंस ज़रूर दे सकता हूं कि आपको किस जगह पर आपको सीखना चाहिए। कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हमें कोई ऐसा क्लासेस का नाम बताओ जहां पर डायमंड के अच्छे से क्लास कराए जाते हो। लेकिन दोस्तों देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब क्लासेस होती है। फॉर्पी की अलग होती है, सरीन की अलग होती है, गैलेक्सी की अलग होती है। और जो भी मेरे भाई गैलेक्सी प्लानिंग सीखना चाहते हैं वो भी मत सीखना, क्योंकि गैलेक्सी प्लानिंग में एक नया फीचर्स आ गया है, ऑटो प्लानिंग। तो ऑटो प्लानिंग का भी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गैलेक्सी प्लानिंग क्यों नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑटो प्लानिंग आ गया है, एक AI जैसा सिस्टम आता है जो पूरा हीरे को प्लानिंग कर देता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप गैलेक्सी प्लानिंग ना सीखिए, क्योंकि गैलेक्सी प्लानिंग अगर सीख गए तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, और जॉब नहीं मिलेगी तो गैलेक्सी प्लानिंग वाले मेरे भाई मत सीखना अभी। और मुझे लगता है कि गैलेक्सी प्लानिंग में आगे कोई भविष्य अभी नहीं है। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे अब हम जाते हैं कि दूसरे एक भाई ने मुझे पूछा था कि 4P का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो भाई, 4P का कैलिब्रेशन का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब 4P का पूरा वीडियो अभी एक और बना दूंगा, जिसमें मैं कैलिब्रेशन, स्पॉट, वर्टिकल सब सिखा दूंगा आपको। और अभी दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अभी हीरे में तेजी है या मंदी चल रही है। तो दोस्तों, भयंकर मंदी चल रही है, मतलब कभी भी हीरे अभी बंद हो सकते हैं, कोई भी ऑफिस अभी बंद हो सकता है, बहुत सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं। मतलब जो जहाँ पर मैं जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ वो भी ऑफिस लगभग बंद होने को है, मतलब मैं अकेला ही अभी वहाँ पर बच गया हूँ। अभी ऐसी हीरे की हालत हो रही है, और उसका मेन रीज़न है कि हम रशिया के साथ ट्रेड करते थे पहले कच्चे हीरो का, और पॉलिश हीरे को भी करते थे, लेकिन अभी रशिया के साथ कोई भी ट्रेड अभी हीरे का नहीं हो पा रहा है। और जहाँ पर हम वहाँ उनसे कच्ची रफे ले रहे थे, वो अभी कच्ची रफे भी हम नहीं ले रहे हैं रशिया से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं, और रशिया का जो युद्ध हुआ है उसके कारण रशिया पर बैन लगा दिया गया है। इसके कारण हमें अभी हीरा जो है कच्चा वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, और पॉलिश डायमंड जो है उसकी बहुत वैल्यू अभी नहीं है इतनी। और दूसरा एक भी और कारण है कि CVD जो लैब ग्राउंड डायमंड आते हैं ना दोस्तों, वो भी एक कारण है। और लैब ग्राउंड डायमंड पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि लैब ग्राउंड डायमंड कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पता चले कि लैब ग्राउंड जो नकली जो हीरा होता है वो कैसे बनता है, मतलब नकली होता है लेकिन वो पॉलिश होके जो ओरिजिनल हीरा होता है ना ऐसे ही चमकता है। और उसी की वजह से क्या हुआ है कि जो पॉलिश्ड हीरा होता है ना जो ओरिजिनल, उसकी डिमांड उसके कारण बहुत ज़्यादा घट गई है। तो अभी लैब ग्राउंड का भी टाइम आने वाला है, कि लैब ग्राउंड का टाइम तो अभी आ ही गए, लैब ग्राउंड डायमंड यहाँ पर जोरों शोरों से बनाए जा रहे हैं सूरत में ही। तो दोस्तों, उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और अभी जो भाई लोग जॉब के लिए सूरत में आने वाले हैं, तो अभी मत आना भाई, मैं आपसे विनंती करता हूँ, मतलब दरख्वास्त करता हूँ कि आप अभी मत आओ सूरत, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर लगभग इस साल ही 50,000 से ज़्यादा डायमंड वर्कर ने अपनी जॉब खो दी है, इतना इस बार कठिन हो गया है। मतलब 2 साल से ही मंदी चल रही है, और 2 साल से अभी कोई भी नहीं कह सकता है कि आगे मंदी कब उतरेगी या कब जाएगी।
कोई भी नहीं कह सकता है अभी। अब तो दिवाली तक देखते हैं और दिवाली के बाद देखते हैं मंदी जाएगी या नहीं जाएगी। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कंप्लेन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो में कौन सा बनाऊँ डायमंड जॉब के ऊपर। तो दोस्तों आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना, और ये वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर देना, क्योंकि ज़रूरतमंद को ये वीडियो पहुँचनी चाहिए।